आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और स्वादिष्ट रोल मिठाई की रेसिपी। इसको हम बिना मावा सिर्फ एक चम्मच घी में बना के तैयार करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्थानी शुद्ध रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गैस पे रखा एक कढ़ाई, और उसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच घी। तो घी को हम हल्का सा गर्म होने देते हैं। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो मैंने इस कटोरी से माप के मैंने पूरा माप लिया है, तो मैं इसमें दो कटोरी सूजी डाल रही हूँ। और इसको हम लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर इसको हम भून लेंगे। तो मैंने गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखा है, और मीडियम फ्लेम पे मैं इसको भून रही हूँ। इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना हम इसको भूनेंगे। घी की मात्रा आप इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ एक चम्मच ही घी डाला है। तो मैंने इसी तरीके से लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट भून लिया है। सूजी है वो हमारा अच्छे से भून गया है, इसका कलर चेंज नहीं किया है। ये देखिए इसका दाना है वो अच्छे से फूल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा। तो मेरे पास रेडीमेड नारियल का बुरादा था तो मैंने वो ले लिया है। एक कटोरी मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह खोपरे को पीस के भी आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन नारियल बुरादा डालने से इस मिठाई का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो इसको भी हम सूजी के साथ थोड़ा सा भून लेंगे, जिससे हमारे नारियल का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। तो मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने नारियल बुरादे को भी सूजी के साथ भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं चीनी है वो भी मैं सेम उसी कटोरी से माप के मैं चीनी डाल रही हूँ। तो मैंने दो कटोरी सूजी लिया था, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ एक कटोरी मैंने चीनी डाल दी है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा चीनी की मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं। तो चीनी को भी हम 1 से 1.5 मिनट सूजी के साथ पकाएंगे, और 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो दूध भी मैं उसी कटोरी से माप के मैंने 3 कटोरी जितना दूध लिया है। दूध सूजी पे डिपेंड करता है कि कितना सूजी है वो दूध को पीती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध को डालूँगी, एक साथ दूध को नहीं डालना है। पहले मैंने इसमें थोड़ा दूध डाला है, और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें बाकी बचा हुआ दूध है वो डाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब आप सूजी में दूध को डालें तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, जिससे हमारी जो सूजी है वो अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाएगी, नहीं तो इसमें गुठलियाँ वगैरह बन सकती है। तो पहले हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे। तो मैंने सूजी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसको एक डो फॉर्म में आने तक इसको पकाएंगे। सूजी है वो हमारा बहुत ही जल्दी फूलना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 मिनट पकाया है, और 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये मिश्रण है वो कितना गाढ़ा हो गया है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे, बिल्कुल एक डो फॉर्म में आएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मिश्रण है वो हमारा बिल्कुल एक डो फॉर्म में आ गया है। तो इससे ज़्यादा अब हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि सूजी है वो ठंडा होने के बाद और भी ड्राई हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद, और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने पूरे मिश्रण को इस तरीके से कढ़ाई में मैंने फैला के छोड़ दिया था, और मिश्रण है वो हमारा छू सकते हैं इतना ठंडा हो गया है, हल्का सा गर्म है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर, और 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। मैंने इसमें मिल्क पाउडर है वो सिर्फ 2 चम्मच डाला है। आप मिल्क पाउडर की मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं, जितना आप इसमें मिल्क पाउडर डालोगे उतना ही ये मिठाई है टेस्टी बनेगा। तो अब हम इसको हाथों से मसलते हुए इसको बिल्कुल एक चिकना डो जैसा बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल इसका टेक्सचर है वो मावा जैसा आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से हाथों से मसलते हुए इसको गूंद रही हूँ।
तो मैंने इसको टोटल 3 से 4 मिनट इसी तरीके से मसलते हुए अच्छे से गून लिया है। और अब मैं आपको इसका टेक्सचर है वो दिखा देती हूँ। बिल्कुल स्मूथ मैंने इसका ये डो लगा के तैयार किया है और बिल्कुल मावा जैसा लग रहा है। तो अब हम इसका मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसका एक पेड़े जैसे बना के तैयार करेंगे। तो मैं हाथों से इस तरीके से करते हुए हम इसका एक पेड़ा जैसा बना लेंगे और फिर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लंबाई में शेप दे देंगे। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना कितना हमारा ये रोल है वो बन के तैयार हुआ है। तो इसको मैंने निकाल दिया एक प्लेट में। आप चाहे तो इस मिठाई को इसी तरीके से रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगी थोड़ा सा नारियल बुरादे में कोट। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा नारियल बुरादा और इसमें हम इस तरीके से इसको कोट कर लेंगे, जिससे हमारा ये रोल मिठाई है वो देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा हमारा ये रोल मिठाई है वो बनके तैयार हो गया है। तो अब मैं इसी तरीके से बाकी बचे हुए सभी पीस है वो बना के तैयार कर लूँगी। तो मैंने सभी रोल को इसी तरीके से बना के मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ही सुंदर हमारा ये मिठाई है वो बनके तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर नारियल बुरादा है वो कोट हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेट और करेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा ये रेड फूड कलर और एक मैंने यहाँ लिया है टूथपिक, उससे हम इसके ऊपर इस तरीके से लाइन बनाएंगे, जिससे हमारा मिठाई है वो देखने में और भी सुंदर लगेगा। तो मैंने इसमें दो इस तरीके से ये लाइन बना दी है। और अब हम यहाँ लेंगे नारियल बुरादा और उसमें मैंने ग्रीन कलर डाल के इसको थोड़ा सा सुखा लिया था, उसको हम इस तरीके से लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा हमारा ये मिठाई है वो बनके तैयार हो गया है। और बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताया है। बहुत ही टेस्टी ये मिठाई है वो बनके तैयार होती है फ्रेंड्स। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये मिठाई की रेसिपी है वो बना के ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी नई और आसान रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल राजस्थानी शुद्ध रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।